आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नगरीय निकाय चुनाव को लेकर एक्शन में नजर आ रहे हैं। बता दें कि आज दो दिनों के दौरे पर गोरखपुर आएंगे, जहां वे निकाय चुनाव में जीत की रणनीति बनाने के लिए मैराथन बैठक करेंगे। सीएम गोरखपुर मंडल के चारों जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ अलग अलग बैठक में वे निकाय चुनाव में क्लीन स्वीप का मंत्र देंगे। बता दें कि नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री की बैठकों का सिलसिला भाजपा के क्षेत्रीय कार्यालय पर दोपहर 1 बजे से शुरू होगा। 1 बजे से 2 बजे तक कुशीनगर जिले की बैठक होगी। इसके बाद 2 बजे से 3 बजे तक महाराजगंज, 3 बजे से 4 बजे तक देवरिया और 4 बजे से 5 बजे तक गोरखपुर जिले के तहत आने वाले निकायों को लेकर चुनावी बैठक होगी। साथ ही गोरखपुर महानगर इलाके के तहत नगर निगम के महापौर और वार्ड पार्षदों के चुनाव को लेकर सीएम एक बैठक सिविल लाइन्स स्थित आशीष मैरिज हॉल में भी करेंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारी संवाददाता सुहानी हमसे जुड़ चुकी हैं। सुहानी, निकाय चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियां एक्शन मोड में नजर आ रही हैं, वहीं आज सीएम योगी गोरखपुर दौरे पर होंगे, क्या कुछ उनका पूरा शेड्यूल होगा? मयूरी, आपको बता दें कि निकाय चुनाव की जो बिगुल है वो उत्तर प्रदेश में बज चुका है और सभी पार्टी जोरों शोरों से इस पर तैयारियों में लग गई है और अपने प्रत्याशियों के नाम भी घोषित कर चुकी है। वहीं आपको बता दें कि जो बीजेपी है उसको कहा जाता है कि 365 दिन पूरे वो अपने चुनावी मूड में रहती है। वहीं बता दें कि सूबे के मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ है वो अब एक्शन मोड में दिख रहे हैं। उनका आज जो है वो 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर जाएंगे और उनका आज पूरे दिन बैठकें रहेगी। वहीं आपको बता दें कि आज निकाय चुनाव में जीत के लिए रणनीति बनाएंगे और वो एक मैराथन बैठक करने जा रहे हैं। वह आपको बता दें कि ये जो निकाय चुनाव है वो 2024 के लोकसभा जो विधानसभा का चुनाव है उसको मद्देनजर देखते हुए सभी पार्टियां जो हैं इस पर काफ़ी अहम है और इस पर खास तौर पे तैयारियां कर रही हूँ, क्योंकि ये जो निकाय चुनाव है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि जो योगी आदित्यनाथ का जो आज उनका पूरा जो शेड्यूल है पूरा 1 बजे से उनका शुरू होगा, जो कि निकाय चुनाव जो कि दोपहर 1 बजे शुरू होगा और 2 बजे कुशीनगर जिले में बैठक होगी। वहीं 2 बजे से 3 बजे तक महाराजगंज और 3 बजे से 4 बजे तक देवरिया और 4 बजे से लेकर 5 बजे तक गोरखपुर जिले तहत निकाय चुनाव के लेकर बैठकें होगी। आपको बता दें कि गोरखपुर मंडल के जो चारों जिलों में कार्यकर्ताओं के साथ अलग अलग बैठक करेंगे और उन्हें रणनीति बताएंगे और वही उन्होंने जीत के मंत्र का भी कुछ उपदेश देंगे। आपको बता दें कि आज सीएम योगी के दौरे के दौरान कौन कौन लोग उनके साथ मौजूद रह सकते हैं और क्या कुछ अपने कार्यकर्ताओं को मंत्र दे सकते हैं सीएम योगी निकाय चुनाव को लेकर? जी मयूरी, आपको बता दें कि आप भी जानते हैं कि जो भाजपा है वो जो भी चुनाव आता है, चाहे छोटी चाहे बड़ी चुनाव है, वो सभी चुनाव के एक बड़े महम एक राजनीतिक देखकर और करती है और निकाय चुनाव को भी लेकर ऐसे ही वो अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। और सिर्फ बीजेपी में सिर्फ ये नहीं कहा जाता है कि सूबे की जो मुख्यमंत्री है वही चुनाव में एक्टिव रहते हैं। आपको बता दें कि भाजपा के जो सभी नेता हैं वो हर चुनाव में एक्टिव मोड में रहते हैं, दौरा करते हैं, बैठकें करते हैं और इस चुनाव में भी जो सभी पार्टियाँ हैं उनके और जितने भी नेता है वो पूरे जुट के और इसमें तैयारियां कर रही हैं। वही आपको बता दें कि जो निकाय चुनाव है उसमें जो बीजेपी जो है पूरे तरह से जुट गई है, क्योंकि इस बार विपक्ष भी अपने एक्शन मोड में दिख रही है, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे आपको कांग्रेस, चाहे आम आदमी पार्टी, तो ये निकाय चुनाव जो है एक अलग ही मोड पर दिख रही है। तो इसलिए सभी पार्टियाँ जो है जोर शोर से तैयारी कर रही है और अपने जीत का मंत्र जो योगी आदित्यनाथ हैं वो कहीं ना कहीं एक अलग ही तरह से अपनी रणनीति बनाते हैं, एक अलग ही उनका एक एजेंडा रहता है। वही आपको हम बता दें कि इस जो बीजेपी है वो गोरखपुर एक अहम उनका एक क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे आपको बता दें कि 2019 की बात करें तो उनके 2019 में उनका क्लीन स्वीप था, वो लोकसभा में उनकी 9 और विधानसभा में उनके 28 से 27 सीटें उन पर कब्जा होते हैं। वहीं आपको बता दें खासतौर पर 2022 में भी ऐसे ही कुछ देखने को मिला था।
तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी का जो गोरखपुर का जो क्षेत्र है वो बहुत काफ़ी अहम माना जाता है, और इसलिए जो गोरखपुर में है जो सीएम योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं एक अलग ही आज एजेंडा देंगे, अलग ही एक गुरु मंत्र दे सकते हैं, एक मंत्र एक राजनीतिक एक एजेंडा दे सकते हैं, क्योंकि गोरखपुर का जो क्षेत्र है वो काफ़ी अहम माना जाता है। जी मयूरी जी सुहानी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार तैयारियों में जुटी हुई है, एक्शन मोड में नजर आ रही है, सीएम योगी आज दौरे में गए हैं और लगातार आप कह रही हैं कि वो लगातार अपने कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कितना फायदा इससे भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा चुनाव को देखते हुए? जी मयूरी, हमने भी देखा है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे नगर निकाय चुनाव, चाहे जो भी चुनाव आता है उसमें योगी आदित्यनाथ अपने काफ़ी अहम जो रणनीति होती है और वो हमेशा अपने चुनाव को लेके, चाहे वो राजनीतिक कार्य होता है चाहे जनता दर्शन हो, इसमें काफ़ी एक्टिव मोड में रहते हैं और लोगों को एक रणनीति भी देते हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जो ये बैठकें हैं, जो ये दौरा है, वो कहीं ना कहीं निकाय चुनाव में काफ़ी अहम साबित होगा और उनके कार्यकर्ताओं के जो रणनीति जो मंत्र देंगे उनको, जिनके वो मैराथन जो बैठक करने जा रहे हैं, इससे काफ़ी उनको सहायता इसमें मिल सकता है, क्योंकि जो विपक्ष पार्टी है वो भी कहीं ना कहीं अपने जो उन्होंने बैठकें कर रहे हैं, अपने दौरे कर रहे हैं और वो भी इस बार काफ़ी एक्टिव मोड में आ रहे हैं, तो ये जो निकाय चुनाव है कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा अहम साबित हो रहा है, क्योंकि ये निकाय चुनाव है, क्योंकि जो लोकसभा का चुनाव 2024 के उससे देखा जा रहा है, तो ये सभी पार्टियाँ इस चुनाव में जोरों तोर से तैयारी कर रही है और अपने जो महापौर और जो पार्षदी का जो प्रत्याशी है उनके लिए भी आज योगी आदित्यनाथ आज बैठक करेंगे और उनको रणनीति के लेके मैराथन बैठक भी करेंगे और उनसे इस पर बातचीत भी करेंगे अपने कार्यकर्ताओं के लिए। जी धन्यवाद सुहानी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। अतीक अशरफ हत्याकांड मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने नोटिस जारी किया है। बता दें कि पुलिस कस्टडी में हुए हत्या को लेकर यह नोटिस जारी की गई है। वहीं आयोग ने उत्तर प्रदेश डीजीपी और प्रयागराज सीपी से एक महीने में जवाब मांगा है। नोटिस में कहा गया है कि रिपोर्ट में हत्या के सभी पहलुओं जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट, घटनास्थल की जाँच और मजिस्ट्रेट जाँच रिपोर्ट शामिल किए जाने की बात कही गई है। वहीं बता दें कि माफिया ब्रदर्स के तीनों शूटर को एसआईटी की टीम प्रतापगढ़ से प्रयागराज के लिए रवाना की है। रिमांड लेने के लिए तीनों हत्यारोपियों को एसआईटी की टीम सीजीएम कोर्ट में पेश करेगी। बता दें अतीक अशरफ हत्याकांड मामले में एनएचआरसी का नोटिस सामने आया है, जो एनएचआरसी ने यूपी डीजीपी और प्रयागराज सीपी को नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्होंने तमाम सवाल के जवाब एक महीने के अंदर मांगा है। बता दें कि हत्याकांड का पूरा ब्यौरा मांगा गया है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, प्रतापगढ़ से प्रयागराज लाए जा रहे हैं अशरफ और अतीक के तीनों शूटर, जिनको आज पेशी के लिए लाया जा रहा है। बता दें अतीक अशरफ हत्याकांड मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने नोटिस जारी कर दिया है और नोटिस जारी कर तमाम सवाल किए हैं। बता दें एनएचआरसी ने यूपी डीजीपी और प्रयागराज सीपी को यह नोटिस जारी किया है। बता दें कि पुलिस कस्टडी में हुए हत्या को लेकर यह नोटिस जारी किया गया है। वहीं आयोग ने उत्तर प्रदेश डीजीपी और प्रयागराज सीपी ने एक महीने में जवाब मांगा है। नोटिस में कहा गया है, रिपोर्ट में हत्या के सभी पहलुओं जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट, घटनास्थल की जांच और मजिस्ट्रेटरी जांच रिपोर्ट शामिल किए जाने की बात कही गई है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद कलीम हमसे जुड़ चुके हैं। कलीम, अतीक अशरफ हत्याकांड मामले में नोटिस जारी कर दी गई है, क्या कुछ है इस नोटिस में? देखिए मयूरी जी, जिस तरीके से अतीक और अशरफ की पुलिस कस्टडी में शूटआउट के दौरान हत्या कर दी जाती है,
इस हत्या को लेकर एक बड़ा सवाल भी पुलिस पर खड़ा हुआ था, क्योंकि पुलिस पूरी तरीके से सवालों के घेरे में आ गई थी। लेकिन इस शूटआउट का संज्ञान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी लिया, जिसके बाद उनके द्वारा यूपी पुलिस को नोटिस जारी कर एक महीने में जवाब तलब किया गया है। इसमें जिस तरीके से बात की जाए, जो रिपोर्ट तलब की गई है एक महीने के अंदर, उसमें कहा गया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए होगी, घटनास्थल की रिपोर्ट चाहिए होगी, और इस घटना, इस हत्या के पीछे क्या कुछ वजह रही है, ये भी चीज़ें पूरी शामिल होंगी। लेकिन जिस तरीके से बात की जाए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जो नोटिस जारी किया है, उससे पहले ही इस मामले में दो SIT गठित की गई थी, जिसमें DGP की एक टीम थी तो दूसरी प्रयागराज पुलिस कमिश्नर की थी। लेकिन उससे पहले जो सरकार के द्वारा न्यायिक आयोग का गठन किया गया था, वो भी एक महीने के अंदर पूरी रिपोर्ट सौंपनी थी सरकार को। लेकिन अब जिस तरीके से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी इस मामले का संज्ञान लिया और नोटिस DGP और CP को जारी किया है, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के जो सवाल या निशान खड़े हो रहे थे, उस पर अब पूरी निगाह भी लोगों की आ चुकी है, क्योंकि ये मामला पूरी तरीके से इंटरनेशनल बन चुका है। और इसके साथ ही जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के जो सदस्य हैं, विशाल तिवारी के द्वारा भी इस मामले में PIL दाखिल किया गया था, तो अब कहीं ना कहीं अब रिपोर्ट जो आएगी, उस पर सभी की निगाह है कि आखिर जो रिपोर्ट सौंपी जाएगी, उस रिपोर्ट में क्या कुछ होगा। कलीम, तो ये जो राष्ट्रीय मानवाधिकार के द्वारा DGP और CP को नोटिस जारी किया गया है, तो क्या इसको लेकर DGP और CP की तरफ से कोई रिएक्शन सामने आया है? देखिए, जिस तरीके से ये जो नोटिस जारी हुआ है, अभी तक इसमें कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संज्ञान लेने से पहले ही DGP ने जो SIT गठित कर दिया था, तो कहीं ना कहीं ये उनका एक बचाव भी रहा कि पूरी SIT पहले से गठित थी, जो इस पूरे मामले की जांच करने की बात कही जा रही थी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जो नोटिस जारी किया है, तो उसमें इनकी जो SIT टीम है, उसका पूरा सहयोग मिलेगा, क्योंकि वो रिपोर्ट भी एक माह के अंदर DGP को प्रस्तुत करनी थी। यानी कि जो DGP तलब कर रहे थे SIT की टीम से रिपोर्ट, वही रिपोर्ट हो सकता है उठा करके जो मानवाधिकार आयोग है उसको भी सौंपी जाए। लेकिन उस रिपोर्ट में क्या कुछ होगा, मेन निगाह लोगों की यही बनी हुई है, क्योंकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांगी गई है और जो घटनास्थल की जांच रिपोर्ट मांगी गई है, इसके साथ ही जो भी शूटआउट के दौरान घटनाक्रम से संबंधित रहा, उन सभी चीज़ों की रिपोर्ट जो मांगने की बात कही गई, क्योंकि जो हमलावर थे आखिर पुलिस का घेरा तोड़ करके पहुंचे तो पहुंचे कैसे थे, क्योंकि जो बात बताई जा रही थी कि वो मीडिया कर्मी बनकर पहुंचे थे, जब वहां पर पुलिसकर्मी लगातार देख रहे थे और ये बड़ा मामला था, तो आखिर लापरवाही क्यों बरती गई थी, क्योंकि ये माफिया जरूर थे, माफिया होने के साथ साथ जब इनका कनेक्शन पाकिस्तानी और ISI से जुड़ गया था, तो चूक नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन जिस तरीके से शूटआउट में हत्या की गई, तो इस हत्या के पीछे कई सवाल भी खड़े हो गए। क्या इसके पीछे कोई सफेदपोश था जिसने इस हत्या को अंजाम दिलवाया, या फिर इस घटना के पीछे कोई बड़ा राज है कि आखिर जो अतीक का अंत किया गया, अतीक के अंत के पीछे क्या कुछ राज रहे, क्या कुछ खुलासे हो सकते कलीम? तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना अभी बाकी है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें, तो माफिया ब्रदर्स के तीनों शूटरों को SIT की टीम प्रतापगढ़ से प्रयागराज के लिए रवाना किया गया है, इसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, जिस तरीके से पहले तो जो अतीक के शूटर थे, उन तीनों शूटरों को, यानी कि जो हमलावर थे जिन्होंने हत्या की थी, उनको पहले नैनी जेल में ही रखा गया था, जहां पर अतीक अहमद का बेटा भी बंद था। लेकिन वहां पर जो बात सामने आई, कहा जा रहा था कि दोनों के बीच गैंगवार होने की आशंका थी, जिसके बाद जो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के गैंगवार से बचने के लिए जो तीनों शूटर थे, उनको प्रतापगढ़ की जेल में शिफ्ट किया गया था। लेकिन अब उनकी रिमांड के लिए जिस तरीके से उनको आज पेश किया जा रहा है न्यायालय में, लेकिन पुलिस भी लेकर के निकल चुकी है। लेकिन जो सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, कि किसी तरह की कोई लापरवाही ना हो पाए, इसको लेकर जो अधिकारी हैं, अधिकारियों ने खुद पहले देर शाम को कोर्ट में पहुंच करके सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया, और आज जब तीनों शूटरों को कोर्ट में पेश किया जा रहा था, उससे पहले भी पुलिस अधिकारी ने मौके पर पहुँच करके कोर्ट का पूरा चप्पा चप्पा पर कहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई ऐसी घटना हो सके या फिर कोई अराजकता फैल सके, क्योंकि ये बड़ा मामला है अतीक से जुड़ा हुआ। क्योंकि अभी बात की जाए कल ही की, तो कल जिस तरीके से अतीक अहमद की पैरवी कर रहे वकील के घर के सामने 3 बम फेंके गए थे, लेकिन इस मामले में प्रयागराज पुलिस ने जो अपना बयान जारी किया था, उन्होंने कहा था कि इस घटना से वकील का कोई लेना देना नहीं है, जबकि ये 2 गुटों का मामला था, पैसों का लेन देन था। लेकिन इस मामले में जो वकील की प्रतिक्रिया आई थी, उनके द्वारा साफ कहा गया था कि वो इस मामले की पैरवी सही से ना कर पाए, इसलिए उनको डराने धमकाने के लिए इस घटना को अंजाम दिया गया था। उस दौरान उनके घर पे उनकी बहुएं और बेटी
मौजूद थे, उस वक्त वकील नहीं थे, जिसके कारण ये घटना को अंजाम दिया गया, लेकिन इस मामले को पूरी तरीके से पुलिस अधिकारियों ने नकार दिया है। जी धन्यवाद कलीम हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। अभी के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।